ये IR सेंसर ख़राब हो चुका है, आज हम उसको रिपेयर करेंगे बाय चेंजिंग दिस LM358 IC। सो दिस इज़ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC। अगर इसको हम चेंज कर देंगे तो ये डिटेक्शन IR सेंसर से हमें मिलने लगेगा। अभी मैं इस पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके इसकी सारी सेंसिटिविटी पे चेक कर चुका हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो उसको सही करने के लिए बेसिकली हमें इस IC को चेंज करना पड़ेगा। चलिए इस IC को चेंज करते हैं। करते हैं डी शोल्डर करने के लिए हम इसमें एक शोल्डरिंग विक यूज़ कर रहे हैं। शोल्डरिंग विक से हम इसके ऊपर लगा हुआ शोल्डर को निकाल देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम देखिए काफ़ी हद तक शोल्डर इसमें से निकल चुका है, एक दो टर्मिनल को छोड़ के। तो हम एक दो टर्मिनल से भी क्लीन कर देंगे इसको। अभी हम इसको IC को निकालते हैं। ये IC हम निकाल चुके हैं, अब हम ये नया IC इसमें इंसर्ट करेंगे। अब ये IC इंसर्ट कर चुके हैं हम, इसको शोल्डर कर देते हैं। ये IC शोल्डर हो चुकी है। चलिए अभी इसको चेक करते हैं कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। अभी इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो अभी आप इसको चेक कर सकते हैं, देखिए ये सही हो चुका है। अभी इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करते हैं। देखिए अभी ये सेंसर काम करने लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।